में। इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक युग से, आग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इनकी जो खोज है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम सानी द्वारा की गई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब प्राग ऐतिहासिक युग की बात करें तो 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पहली बार इस कालखंड के ऊपर शोध किया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पहली बार इस कालखंड का के ऊपर शोध किया था, और इस शोध के आधार पर इस काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस चीज को याद रखिएगा, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल में बांटा गया है? तो पहला है पाषाण युग है, और दूसरा जो है ताम्र युग, तीसरा है लौह युग। तो 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पहली बार इस कालखंड के ऊपर शोध किया था, और इसी शोध के आधार पर इस काल को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है लौह युग। अब पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग क्या होता है? ये पत्थरों का ज्यादातर प्रयोग हुआ था। पाषाण युग में क्या हुआ था? ज्यादातर पत्थरों का उपयोग यहाँ देखने को मिलता है। अब ताम्र युग की बात करें तो यहाँ पर पत्थरों के साथ साथ हड्डी और पहली धातु तांबे का भी यूज किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और लौह युग की बात करें तो लौह युग में क्या है? यहाँ पर गंगा यमुना दोआब नदी लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब ऐतिहासिक युग की बात करें तो ऐतिहासिक युग क्या होता है? जिस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत मौजूद है उसे क्या कहते हैं? उसे ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो है 1996 UPPCS में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरक का अंकित लेख, पुरातत्व खुदाई या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ये 2004 में पूछा गया था। अभी हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और साथ में एक और व्यक्ति थे जिसका नाम है माधो स्वरूप वत्स
माधव स्वरूप वत्स दो व्यक्ति थे, एक दयाराम सानी थे और साथ में माधव स्वरूप वत्स व्यक्ति भी थे। अब इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की खोज पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। इस चीज को आप याद रखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। इस सभ्यता की जो खोज है वो पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। अब सभी स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आस पास थी, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है, ये कब से कब तक है? ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब किसी किसी किताब में क्या है, 2350 ईसा पूर्व है और किसी किसी किताब में 2500 ईसा पूर्व है। तो दोनों का जो आपका आंसर है वो सही है। कहीं अगर ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व है तो आप ये लगाएंगे, अगर 2350 ईसा पूर्व है तो आप ये लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदा दंड। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदा दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ये 2006 में आया है, मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कांस्य युग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नवपाषाण युग की बात करें तो सबसे पहले संगक कल्लू नामक एक स्थान है जो कर्नाटक में है। यहां पर राख के टीले मिले थे। इसको आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल युग में सबसे पहले जो है संगक कल्लू कर्नाटक पर, यहां पर राख के टीले मिले थे। और नवपाषाण में जो है बुर्ज होम जो है ये प्रमुख स्थल है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और सबसे पहले गर्तावास का साक्ष्य मिला। इस चीज को याद रखिएगा, नवपाषाण युग में सबसे पहले गर्तावास का साक्ष्य मिला। और साथ ही नवपाषाण युग में मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुआ है। किस युग में? नवपाषाण युग में। पुरापाषाण युग की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस
रॉबर्ट ब्रूस फुट को इन स्थलों की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन सा है? एक है हथनौरा। पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख स्थल है वो हथनौरा है, जो कहाँ पर है? जो एमपी में है। और यहाँ हथनौरा में क्या हुआ था कि यहाँ पर मानव के साक्ष्य मिले थे और यहाँ पर पहली बार मानव की खोपड़ी मिली थी। हथनौरा में मानव के साक्ष्य मिले थे और मानव की खोपड़ी मिली थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मानव की खोपड़ी मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो स्थल है वो भीमबेटका है। दूसरा जो स्थल है, पहला हथनौरा है, दूसरा है भीमबेटका। ये भी कहां पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण मिला। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला जो प्रमुख स्थल है वो है अति रक्कम। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर भी खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे, मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिला था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मर विलर, जॉर्ज ए डेल्स। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता भी कहते थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, नील नदी की सभ्यता कहते थे। मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया को दजला फरात की सभ्यता कहते थे। और चीन की सभ्यता को क्या कहते थे? चीन की सभ्यता को यांग टीसी क्योंग नदी की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलियोन, मेलुहा, मेगन, पेलका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो मेलुहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आरडी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। तो कौन से संबंधित नहीं थे? तो बी ए स्मिथ, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब आरडी बनर्जी की बात करें तो ये उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे। इसको याद रखिएगा, जो कहां पर स्थित है? जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल करेक्ट। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट। वहां लोगों की जानकारी
लोहे की जानकारी नहीं थी लोगों को, या कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, तो ये भी सही है। और लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसमें ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। अब कृषि से संबंधित बात करें तो यहाँ की जो इस सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो कौन कौन सी थी, ये भी जान लेते हैं। इस सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी, एक तो गेहूं था और जौ, गेहूं और जौ इस सभ्यता की मुख्य फसलें थी। और सैंधव सभ्यता, इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता मिठास के लिए, मिठास सैंधव सभ्यता मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता जो है वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने कहाँ मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल में, जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो चावल का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो लोथल में ही प्राप्त हुआ था, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लोग कृषि के बारे में लोगों को जानकारी थी, यहाँ पे सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, चौहंदरो, कोटदीजी, सोगोरा, देसलपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सोगोरा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चौहंदरों की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है, चौहंदरों के उत्खनन करता कौन है, उत्खनन करता चौहंदरों के उत्खनन करता कौन है, एमजे मजूमदार थे। इन्होंने कब खोज की थी, इन्होंने 1931 में खोज की थी, इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये कहां पर है चौहंदरों, ये सिंधु नदी के किनारे है, कहां पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है जो पाकिस्तान में है। अब कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी जो है फजल अहमद ने, इसके जो उत्खनन करता है वो फजल अहमद है, कौन है, फजल अहमद है, कब, 1953 ईस्वी में, किस नदी के किनारे, ये भी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट, या फिर बाद के हड़प्पा स्थल में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे कूट दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे जो है कौन सा बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर एक और दो ये दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तब इसका आंसर देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, और साथ ही इसके साथ साथ महाराष्ट्र, इसके साथ साथ महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ तक ये फैला हुआ था। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी जगह है, कालीबंगन। और गुजरात में तीन स्थल हैं, एक रंगपुर है, लोथल है और धौलावीरा। गुजरात में तीन स्थल है, रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन से स्थल है, वो बनमाली, हरियाणा में
बनमाली है, और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में कौन सा स्थल है, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर। अभी हमने बताया था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद। और जम्मू कश्मीर में हमने क्या बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, मांडा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोतुरगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे पूछा गया सोतुरगई जो है ये किस देश में है, तो ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।